नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा बूट स्ट्रैपिंग के बारे में। बूट स्ट्रैपिंग होता क्या है, बूट स्ट्रैपिंग से हमें फायदे क्या है, बूट स्ट्रैपिंग से हमें नुकसान क्या है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं कि बूट स्ट्रैपिंग होता क्या है। तो बूट स्ट्रैपिंग उसे कहते हैं, जैसे कि मान लो मैं अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, तो मैं बिना किसी बाहरी फंडिंग लिए, बिना किसी एंजल इन्वेस्टर, बिना किसी वेंचर कैपिटल से फंडिंग लिए, अपने खुद की सेविंग से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से मैंने पैसे लेकर के खुद से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और एक बार जब मैंने अपने खुद के सेविंग्स और अपने पेरेंट्स के पैसे से अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फिर अगर मेरे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा है मैं फिर से अपने स्टार्टअप में लगा रहा हूँ, फिर से प्रॉफिट आ रहा है, फिर से मैं अपने स्टार्टअप में लगा रहा हूँ, तो इसी प्रोसेस को हम बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। तो दोस्तों बूटस्ट्रैपिंग से फायदे क्या है, अगर मैं बूटस्ट्रैपिंग से फायदे की बात करूं तो इसमें का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है, क्योंकि यार इसमें हम अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, किसी बाहरी इंसान से, किसी बाहरी इन्वेस्टर से हम पैसे नहीं ले रहे हैं। तो इसमें हमें अपना जो स्टार्टअप है उसकी इक्विटी हमें किसी को देनी नहीं होती, यानी कि पूरा 100% इक्विटी पर पूरा मेरा कंट्रोल होता है। मैं खुद से डिसीजन ले सकता हूँ, कोई भी दूसरा पर्सन हमारे डिसीजन में हमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें करना क्या है। और यार अगर इससे नुकसान की बात करें तो जो इसका नुकसान है, क्योंकि इसमें हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है, हमारे पास पैसे कम होते हैं, अगर हम अपने बिजनेस को फटाफट से ग्रो करना चाहते हैं, तेजी से स्केल करना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो इस कंडीशन में बूटस्ट्रैपिंग से हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम फटाफट से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और हाई लेवल पे लेके जा सकें। बूटस्ट्रैपिंग में हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है, और अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो हम धीरे धीरे से अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो यार अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। गिटहब जो कि यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, जो कि 2008 में शुरू हुई थी, दो लोगों ने मिलकर के शुरू किया हुआ था इसे। उन दोनों बंदों ने अपने खुद पर्सनल सेविंग से अपने दम पर इस स्टार्टअप को शुरू किया हुआ था, और लगभग 4 साल तक अपने इस स्टार्टअप को उन्होंने बूटस्ट्रैप किया, यानी कि बिना किसी बाहरी फंडिंग, बिना किसी बाहरी पैसे के, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, यानी कि उन्होंने खुद के दम पर अपने खुद के पैसे से स्टार्टअप को खड़ा किया। और लगभग 4 साल तक उन्होंने अपने बिजनेस को बूटस्ट्रैप किया, यानी कि जितना भी प्रॉफिट उनके बिजनेस से आ रहा था वो उसे फिर से अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रहे थे। ऐसा उन्होंने कंटिन्यू 4 साल तक किया। उसके बाद 2012 में इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग ले ली। और अगर गिटहब की बात करें तो यह एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में $7.5 बिलियन में खरीद लिया, और अब यह कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक सब्सिडियरी कंपनी है। और अगर बूटस्ट्रैपिंग से अगले फायदे की बात करूं तो हमारा जो अगला फायदा है कि यहां पर हम अपने बिजनेस को एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं, कम अमाउंट में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो अगर हमारा स्टार्टअप इसमें फेल होता है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, यानी कि हमारा कम नुकसान होता है। और अगर यही चीज अगर हम किसी इन्वेस्टर से, यानी किसी वेंचर कैपिटल से या फिर किसी एंजल इन्वेस्टर से अगर हम फंडिंग लेकर के अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो अगर हमारा स्टार्टअप फेल होता है तो हमारे यहाँ पे ज्यादा नुकसान होता है। और जब हम एक छोटे लेवल से अपना स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड का हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और हमें देखने को मिलती है कि कस्टमर की और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिमांड है, और हम उसे किस तरह से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और यह सब कुछ जानने के बाद आप आगे फंडिंग लेकर के आप अपने बिजनेस को तेजी से स्केल अप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड में क्या कमियां हैं और हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कस्टमर हमसे कैसे खुश हो सकता है, क्योंकि आपने अपने स्टार्टअप को बूटस्ट्रैप किया है, आपने उस फील्ड में कुछ साल तक काम किया है, इसलिए आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। और यही फायदा है बूटस्ट्रैपिंग का। और अगर बूटस्ट्रैपिंग से और दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो GoPro एक सबसे अच्छा उदाहरण है बूटस्ट्रैपिंग का। दरअसल ये स्टार्टअप 2002 में जब शुरू हुआ था तो ये स्टार्टअप लगभग 10 साल तक इसके फाउंडर ने इसे बूटस्ट्रैप किया, यानी कि खुद के दम पर स्टार्टअप को चलाया, और जब तक इस बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा था उस प्रॉफिट को फिर से रीइन्वेस्ट कर रहा था। और GoPro करता है क्या है, शायद आपको पता होगा, GoPro मिनी कैमरा बनाता है। GoPro जब आया था तो उस समय पूरी दुनिया भर में कैमरा की बहुत ही डिमांड हो रही थी, क्योंकि लोग ट्रेवलिंग पर जाते थे तो वहाँ पे वीडियो शूटिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए और यूट्यूब वीडियो के लिए, अलग अलग वीडियोस की शूटिंग के लिए कैमरा की उस समय बहुत डिमांड हो रही थी। इन्होंने अपना वाटरप्रूफ कैमरा भी बनाया था, यानी कि इनके कई सारे प्रोडक्ट थे, इनका कैमरा जो था काफी छोटा था, इसलिए काफी पॉपुलर भी था काफी यूनिक प्रोडक्ट होने के कारण। तो यार इसके फाउंडर ने अपने स्टार्टअप को लगभग 10 साल तक बूटस्ट्रैप किया। उसके बाद 2012 में GoPro ने Foxconn से $200 मिलियन की फंडिंग ले ली। अब उसके बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था, और फंडिंग लेने के बाद वो और तेजी से स्केल अप कर सकता था। यार GoPro ने अब तक तो अपना IPO भी ला दिया है, और इसका करंट जो कंपनी का वैल्यूएशन है $3 बिलियन से ज्यादा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक बूटस्ट्रैपिंग से शुरू हुई एक स्टार्टअप आज उसका वैल्यूएशन $3 बिलियन है। तो जरूरी नहीं कि जब तक आपको किसी बाहर से फंडिंग मिले, किसी बाहर इन्वेस्टर से पैसा मिले, आप अपना स्टार्टअप तभी शुरू करते हो, आप अपने खुद के दम पर एक स्मॉल लेवल से अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हो। तो यार ये था बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि बूटस्ट्रैपिंग से क्या नुकसान थे, क्या फायदे थे, और किस तरह से काम करता है, कुछ एग्जांपल मैंने इसके बारे में बताया भी। मैं ऐसा करता हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा लेना, ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो को मिस ना कर सको। तो यार हर बार की तरह करके हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।